शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताबे इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान, जैसा कि तुम देखते हो, इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक एक मियाद मुय्यन तक गर्दिश कर रहा है, वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं और जमीन में कई तरह के कितात हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती, बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देती हैं और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का यह कहना अजीब है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोजख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई जल्दी से मांगते हैं, यानी तालिब अजाब हैं, हालांकि इनसे पहले अजाब वाक हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के माफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। ए नबी, तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाह ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और वही पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके हां एक अंदाजा मुकर्रर है। वो छुपी और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बुजुर्ग है, आली रुतबा है। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, अल्लाह के नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहती हैं, और वही बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ती हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करती हैं। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया,
और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें। मगर नजात कहां? ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और इनका ठिकाना भी दोजख है, और वो बुरी जगह है। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल करार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है, और आकिबत का घर खूब घर है। और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कतअ कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और इनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है, और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है, और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो, और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं, और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो क्या ये लोग ईमान ले आते? बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं, तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रस्ते पर चला देता, और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं तो मैंने काफिरों को मोहलत दी फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा रहा। तो क्या वो जो हर शख्स के आमाल का निगरान और निगहबान है वो बुतों की तरह बेइल्म और बेखबर हो सकता है? और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, इनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो, क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जो रूए जमीन पर हैं और उसे मालूम नहीं, या तुम लोग महज सतही बात की तकलीद करते हो? असल यह है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रस्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं, उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है,
और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोजख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होती हैं, और बास फिरके इसकी बास बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है। और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। और ऐ नबी, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीबियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता। हर हुक्म कजा किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुतेरी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है। हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है।